अगर पुराने जमाने के नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, बलावा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पड़ती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। ये धर्मवीर भारती का इलाहाबाद है जिसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए अब यहाँ पर भी काशी की तरह क्रूज चलाए जाने की तैयारी है। संगम के आसपास हेलीपोर्ट भी बनाया जाएगा और 2025 में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारी के लिए 100 करोड़ का बजट भी जारी हो चुका है। 2025 में लगने वाले कुंभ से पहले मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा हो जाएगा और इससे दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी के जिलों से प्रयागराज की पहुंच आसान हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद कर्जन ब्रिज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके यहाँ पर गंगा गैलरी और संग्रहालय बनाए जाने की तैयारी है, जहाँ से प्रयागराज आने वाले पर्यटक गंगा किनारे खड़े होकर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। देखा जाए तो प्रयागराज के महात्म्य के बारे में बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुर सागर रघुबर सुख पावा। यानी पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी यही सुख पाया था। बारी आज के सवाल की, क्या आप कभी प्रयागराज के कुंभ मेले में गए हैं, कभी प्रयागराज में रहे हैं या फिर आप प्रयागराज में ही रहते हैं, तो आपकी नजरों में प्रयागराज कैसा है, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और प्रयागराज में जिस क्रूज की शुरुआत होने वाली है इसे आप पर्यटन के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।